हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुदीप जोशी, एमपीटी एमएसपीटी सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिशनर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपी टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीट फिजियोथेरेपी क्लिनिक। चलिए जानते हैं स्ट्रोक, पैरालिसिस या पक्षघात क्या होता है। स्ट्रोक या पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन से जुड़ी हुई है। ब्रेन से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि हमारे ब्रेन को तीन तरह की आर्टरी, तीन तरह की धमनी खून पहुंचाती है और न्यूट्रिशन पहुंचाती है। कभी कभी इस आर्टरीज में खून कम जाने की वजह से हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज होता है, जिसको कहते हैं कि खून को ब्रेन को प्रॉपर खून या न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से जो डैमेज होता है उसकी वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है या फिर पक्षघात हो सकता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाने की वजह से जो आर्टरीज ब्रेन में ब्लड सप्लाई देती है वो हेमरेज की वजह से फट जाती है अंदर, और उसकी वजह से ब्रेन के अंदर कुछ भागों में ब्लीडिंग होता है और उसकी वजह से या तो एक हाथ या फिर एक पैर या फिर एक साइड का हाथ और पैर काम करना या बंद कर देता है, कम कर देता है या फिर टाइट हो जाता है। ये कई कई प्रकार होते हैं पैरालिसिस के, कई कई कारण होते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाते हैं, मगर हम आज इतना सीखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस है, अगर किसी पेशेंट को प्रेशर में कम या बढ़त होने की वजह से एक साइड के हाथ और पैर में पैरालिसिस की इफ़ेक्ट है, तो हम उसको ठीक तरह से कैसे सुलाए, कैसे बैठाए, कैसे खड़ा करें, ये सब चीज़ें ज़रूरी है फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगेन फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को पैरालिसिस है तो उसको कंसर्न डॉक्टर को सबसे पहले अर्जेंटली ज़रूर दिखाए, क्योंकि ऐसे 3-4 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं जिसमें आपको न्यूरोफिजिशियन को कंसल्ट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप बिल्कुल देर ना करके अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक है तो उसको जल्द से जल्द अपनी नज़दीक की हॉस्पिटल में या फिर न्यूरोफिजिशियन को या फिर अपने जनरल प्रैक्टिशनर को जो आपके फैमिली डॉक्टर है उसको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, जिससे पेशेंट की प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती है, उसको जो ब्रेन की इफेक्ट होती है वो भी कम हो सकती है। इसलिए यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है या फिर हॉस्पिटल में भी उसकी न्यूरोफिजियोथेरेपी जो चलती है उसमें कई बार देखा जाता है कि पेशेंट की ये पोजीशन होती है। ये पोजीशन को पेशेंट का पैटर्न कहा जाता है। पैटर्न मतलब जब पेशेंट को पैरालिसिस होता है और वो स्पास्टिक होता है, उसके मसल्स ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तब उसका हाथ कुछ शोल्डर अंदर की तरफ होता है, कोहनी भी मुड़ी हुई होती है और हाथ भी इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। तो ये ज़रूरी है कि पेशेंट को जब हम लिटाए या फिर सुलाए तब उसकी मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, उसका शोल्डर हम अच्छी तरह से नीचे की तरफ ले जाए, उसके स्कैपुला मतलब जो शोल्डर का जो पीछे का बोन है उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करके सीधा रखें, एल्बो को स्ट्रेच ना करके धीरे धीरे हम उसके मसल्स को लूज करके अपनी नेचुरल पोजीशन में ले आए, और ये नेचुरल पोजीशन से पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पीछे पेल्विक के भाग में, कमर के भाग में देखें तो पेशेंट के दोनों पैरों को मोड़कर हम पेल्विक को थोड़ा सा उठाकर उसकी अलाइनमेंट सीधी कर सकते हैं ताकि उसकी टाइटनेस कम हो जाए, और धीरे धीरे वो टाइटनेस कम करके हम पैर को सीधा कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अब ये पेशेंट नेचुरल पोजीशन में है, और इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करने से पेशेंट को इफ़ेक्ट वही एक्सरसाइज की या फिर न्यूरोफिजियोथेरेपी की इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेगी। न्यूरोफिजियोथेरेपी में हम ऐसा मानते हैं कि मूवमेंट ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, और ना मेरा, बोबार्ड टेक्निक है, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक है और काफ़ी सारे अप्रोचेज हैं न्यूरोफिजियोथेरेपी में। वो ऐसा मानते हैं कि आप अगर पेशेंट की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव फैसिलिटेट करें, मतलब पेशेंट अपने आप जितनी मूवमेंट करेगा उतना पेशेंट के ब्रेन के अंदर वो मूवमेंट रजिस्टर्ड होती जाएगी, ब्रेन के अंदर उस मूवमेंट का जो रास्ता है वो
खुलता जाएगा। इसलिए हमें पेशेंट को ऐसी पोजीशन देनी है जिससे उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए और वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो के पेशेंट अपने आप खुद ही वो मूवमेंट करना शुरू कर दें। इसलिए न्यूरोफिजियोथेरेपी एक काफ़ी बड़ी ब्रांच है, उसमें काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होती है और मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट से पैरालिसिस की ट्रीटमेंट लें ताकि पैरालिसिस में आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं फास्ट भी आ सकता है। मेरे तीनों क्लिनिक में न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट पैरालिसिस की एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट देते हैं जिससे हमारे पेशेंट काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी जल्दी चलना, बैठना और अपने आप घूमना शुरू कर सकते हैं। तो ये बात थी हम पेशेंट को लेटे लेटे कैसी पोजीशन दे सकते हैं। आइए देखते हैं हम बैठाकर पेशेंट को कैसे मूवमेंट दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि पेशेंट को बैठ के हम कैसे मूवमेंट दे सकते हैं या फिर पोजीशन दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है। हम पेशेंट एक ही तरफ वेट बैरिंग कर रहा है, पूरा वजन शरीर का बैठे हुए वो अपनी लेफ्ट साइड पे दे रहा है। हमें पेशेंट को दोनों तरफ अपने ग्लूट्स पे, अपने हिप पे वजन देना सिखाना होगा और उसके लिए पहले शुरुआत करेंगे हम शोल्डर से। उसके शोल्डर को हम डाउन करेंगे, एल्बो को धीरे 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 अपनी जगह पर रखने की कोशिश करेंगे। पेशेंट के पेल्विक को हम सीधा करते हुए हम उसका वेट बेरिंग, उसका जो वजन है शरीर का, वो राइट साइड की तरफ ज़्यादा वेट बेर करेंगे और धीरे धीरे हम पेशेंट को ऐसी कोशिश करेंगे कि वो एल्बो से अपनी कोहनी से सीधा रहे और धीरे धीरे अपना सारा वजन राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर सके। राइट साइड की तरफ शिफ्ट करने से जितना ये साइड के अफेक्टेड साइड के हाथ में, शोल्डर में, एल्बो में, हिप में, घुटने में जितना वेट जाएगा उतने सेंसेस, जॉइंट सेंसेस ज़्यादा ज़्यादा जागृत होंगे और वो जागृत होने की वजह से उस साइड में, उस मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट ब्रेन के अंदर रजिस्टर्ड होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन की तरफ पहुँचना शुरू हो जाएगी। ये एक पोस्टमैन की तरह है कि हम एक संदेश, हम एक मैसेजेस हम ब्रेन की तरफ पहुंचा रहे हैं और उसके सामने ब्रेन खुद अपना मैसेजेस वापस भेज रहे हैं। तो ये प्रोसेस में हमें वेट बेरिंग, वेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड साइड पे होना चाहिए और ऐसे ही हम पेशेंट को क्लूज दे सकते हैं। कम ऑन, टच माय हैंड, टच माय हैंड, टच माय हैंड एंड कम बैक, गो बैक, गो बैक, ओके, टच माय हैंड, टच माय हैंड, टच माय हैंड एंड गो बैक, रिलैक्स। इसी तरह से अलग अलग टास्क देकर हम पेशेंट को वेस्ट शिफ्टिंग सिखा सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पेशेंट कौन सी पोजीशन में होता है जब वो खड़ा होता है। पेशेंट काफ़ी इनस्टेबल होता है क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट में स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो इनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए हम पेशेंट को एक तो पहले पूरी तरह से सपोर्ट में रखेंगे, पेशेंट के शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, एल्बो को अपनी जगह पर धीरे 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 अपनी जगह पर रखेंगे, उसका रिस्ट और हाथ, पूरे हाथ की मूवमेंट प्रॉपर रहेगी। अब उसके साथ धीरे धीरे हम पेशेंट के पेल्विक को, मतलब पेशेंट के हिप को एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप देख रहे हैं कि उसके राइट साइड का वेट, घुटने के ऊपर वेट आ रहा है। अब अगर पेशेंट अपने घुटने का वेट ना संभाल पाए तो हम थेरापिस्ट अपना पैर उसके घुटने के आगे रख देंगे जिससे वो लॉकिंग मैकेनिज्म वापस हो जाए और उसके बाद हम पेशेंट को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचेंगे जिससे उसका बॉडी वेट राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाए और उसके शोल्डर को और शरीर को पूरी तरह सीधे रखते हुए और उसका अलाइनमेंट प्रॉपर बैलेंस रखते हुए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अपना लेफ्ट पैर उठाकर आगे एक स्टेप बढ़ाए। वेरी गुड। उसी तरह से हम पेशेंट की मूवमेंट फैसिलिटेट करेंगे कि अपना राइट पैर धीरे धीरे उठाकर आगे की तरफ बढ़ाए और इसी तरह से हम पेशेंट को चलना शुरू करवा सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। आई होप आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पैरालिसिस के बारे में अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो टू ऑल योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ गिव एनी कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, यू आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज शेयर माई यूट्यूब चैनल मीत फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड डोंट फर्गेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।